क्या लाइट कोई नहीं है तो रहने दो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री एंड ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर। यही दे रखा है ना, तो इसने कहा अब की बार जो बी सी है वो तो है, ये तो 8 सेंटीमीटर है, और इसने कहा बी के ऊपर जो एंगल है वो है 45 डिग्री, और ए बी माइनस ए सी करें, अगर ए बी माइनस ए सी करें तो वो आता है हमारे पास कितना 3.5 सेंटीमीटर, यही आता है ना। तो देखिए क्वेश्चन को अब की बार हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, क्या करोगे सबसे पहले बी सी, बी सी लोगे जो कि कितने का होगा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर की का एक लाइन सेगमेंट लेंगे जिसका नाम क्या होगा बी सी। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी ले लिया आपने कितने का 8 सेंटीमीटर, क्लियर ये बात। उसके बाद आप क्या करोगे, बी पे एंगल बनाओगे कितने डिग्री का 45 डिग्री, तो आप एंगल बनाओगे बी के ऊपर और वो कितने का होगा 45 डिग्री का होगा। तो कोई भी प्रकार आप खोल लें और बी के ऊपर एंगल बनाएं, कितने का बनेगा 45 का, लेकिन किसकी हेल्प से बनेगा 90 की। दरवाजा बंद कर दो, आवाज़ नहीं आएगी बाहर की। तो ये एंगल बनाया भी हमने जो कि कितने का है 90 डिग्री का है, थोड़ा सा प्रकार हिल रही थी इसकी वजह से, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे बने, बाकी 90 का लग रहा होगा, चलो लग जाएगा तुक्का फिर तो, ठीक है। इनका करोगे हाफ 90 डिग्री का हाफ, जो कि कितना होगा 45 होगा ना, तो 95 का कर दिया हाफ। तो हाफ जब हमने किया, एक बार यहां पर कार रखोगे, ये आर्क लगा दी, यहां पर कार रखोगे, ये आर्क लगा दी भाई। तो जब आपने इसका हाफ किया तो ये लाइन कैसी आएगी, डार्क या डॉटेड? डार्क आएगी, ठीक है। अब की बार अब देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि करना कैसे है, समझिए पहले ध्यान से, बाद में सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट बेंच करेंगे क्या आप, हमारे पास जो है 3.5 सेंटीमीटर है, दोनों की सब्ट्रैक्शन करें अगर ए बी में से ए सी घटाएं तो, हमने करना क्या है बी के ऊपर हमने प्रकार रखनी है और 3.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है। ये टोटल 8 था ना, तो इसका आधे से भी कम होगा ना, मैं थोड़ा अंदाजे से मान लेता हूं कि यहां होगा, ये इतना होगा, ठीक है। आपने मेजर करना है ऐसे स्केल के साथ, जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट करना और ऐसे करके मेजर करके फिर आप क्या करोगे आर्क लगाओगे। तो हमने आर्क लगा दी भैया, ये लगा दी वो आर्क जो कि कितने की है 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान दे लेना ये पॉइंट बी नहीं आएगा, मतलब ए नहीं आएगा, कोई और पॉइंट मान लेना, और पॉइंट को नाम दे दिया डी, क्या नाम दे दिया डी। अब डी को क्या करोगे, डी को सी से मिला दो, मिला दिया डी को किससे मिला दिया, सी से मिला दिया भाई, बोलो कर लोगे ये काम। उसके बाद करना क्या है, यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है। उसके बाद आपने डी सी का आधा करना है, आधा करना आता है ना, क्या करते हैं जितनी डी सी है उसके आधे से ज्यादा प्रकार खोल लें, जितनी डी सी है उसमें आधे से ज्यादा प्रकार खोल लें, थोड़ी सी ज्यादा या नाम मात्र है, ठीक है ना। डी सी में आधे से ज्यादा प्रकार खोल रही, एक बार तो सी के ऊपर रखो और ये आर्क लगा दिया आपने, लगा दी ऐसी आर्क नीचे भी लगा दें, कहां पर रखी है सी के ऊपर।
फिर इसको आपने डी पे रखना है, डी के ऊपर, और एक आर्क लगा देनी है। लगा दी? ठीक है, नीचे नहीं काट रही ना ये, थोड़ा सा अगर रह जाए, मान लिया आपका भी नहीं काटता, तो एक बार वापस रख के फिर आर्क लगा लेना दोबारा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब आपने करना क्या है, इस पॉइंट पे स्केल रखनी है और नीचे वाले पॉइंट पे स्केल रखनी है, और इसको क्या कर देना है, लाइन पास करनी है। और कैसी आएगी ये लाइन? डॉटेड आएगी, क्योंकि हेल्प ले रहे हैं हम। इसको आगे तक बढ़ा दें, जितना बढ़ाया जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आगे बढ़ाएं, जब तक ये जो लाइन हमारे पास एंगल बी वाली थी इसको इंटरसेक्ट ना करे, तब तक इसको आगे बढ़ाते रहें। कर गई ना इंटरसेक्ट? तो जो ये पॉइंट आया है ना बेटा, ये जो पॉइंट आया है, ये हमारा वो पॉइंट है ए। बात समझ में आई? ये हमारा वो पॉइंट है ए। अब ए को मिलाना है सी से, मिला दोगे? ए को मिला दिया सी से, और मेजर करके देखना, अगर ए बी में से ए सी घटाओगे ना तो वो कितनी मिलेगी? 3.5 ही मिलेगी। समझ में आया या नहीं आया? दोबारा समझो, बी सी लिया है 8 सेंटीमीटर, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना है, चलो कंस्ट्रक्शन साथ साथ बोल देता हूँ समझ में आ जाएगा। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी विद लेंथ 8 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल कितना 45 डिग्री, टेकिंग बी एज ए सेंटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ डी बी, कितनी है वो, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ये है अंदर 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर ये बात? उसके बाद ज्वाइन डी टू सी, डी और सी को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट डी सी, डी सी का हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, उसको हमने क्या किया, प्रोड्यूस, अब वो ऊपर से क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने पर उसने क्या किया, वो कट करता है किसको, एंगल किसको भाई, डी बी सी को। जब एंगल डी बी सी को, यानी कि सी बी डी को हमने एक्सटेंड किया, आगे तक बढ़ाया, तो दोनों ने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ए के ऊपर, ज्वाइन ए टू सी, ए को किससे मिलाया है, सी से मिलाया है बस। और उसके बाद में लास्ट में लिख देना, हेंस ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कर लोगे? यस सर। हो जाएगा? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। चलो लिख लोगे ना जस्टिफिकेशन इसकी, क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल हमने बनानी है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर कितना है, 6 सेंटीमीटर, क्यू आर है 6 सेंटीमीटर, और एंगल क्या हुआ 60 सेंटीमीटर, वो है 60 डिग्री, और पी आर माइनस पी क्यू, दोनों का डिफरेंस करें तो वो आता है 2 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान दो भाई, अगर मान लिया सबसे पहले मैंने क्या लिया, समझना क्वेश्चन को ध्यान से, क्यू आर ले लिया, कितना क्यू आर 6 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर, ये 6 सेंटीमीटर का, क्लियर? उसके बाद क्यू के ऊपर एंगल है कितने का है, 60 डिग्री का, तो एंगल है हमारा किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, और कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये हमने भैया वो एंगल भी बना दिया जो कि कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, डार्क आएगा या डॉटेड आएगा, डार्क आएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, अगर मान लिया मैं उसी क्वेश्चन के साथ चलूं जो हमने किया है, इसको 2 सेंटीमीटर में ले लूं, इसको 2 सेंटीमीटर सपोज करो, एक मिनट के लिए मान लें कि 2 सेंटीमीटर इतना है हमारा, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा क्या है, पी के वार, पी नहीं है, हमने इसको एच नाम दे दिया, इसको मैं इससे मिलाऊं, ठीक है, मिलाने के बाद हाफ करूं उसका, और कहीं ना कहीं सपोज करो यहाँ कर वो पॉइंट भी आ जाएगा क्या, पी, तो क्या होगा, पी क्यू माइनस में पी आर, इनका जोड़ 2 सेंटीमीटर होगा, माइनस करें तो वो 2 सेंटीमीटर, उस क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो। बात समझ में आ रही है? बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी आएगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए है, पी आर चाहिए है, पी आर बड़ी चाहिए है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो इसलिए ये केस इस क्वेश्चन की तरह ना होके थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा, ना मात्रा, घबराने की जरूरत नहीं है, एंगल हमारा वही 60 डिग्री का ही है, ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसको ले लेंगे, इस लाइन को और नीचे तक बढ़ा लें इस एंगल के हिसाब से ही,
ठीक है ना, कोई चेंज नहीं करना है, नीचे तक बढ़ा ले, चाहे डॉटेड बढ़ा लियो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चाहे आप इसको डॉटेड बढ़ा लियो या डायरेक्ट बढ़ा लियो कोई समस्या वाली बात नहीं है। नीचे एक्सटेंड कर लिया, बोलो प्रोड्यूस कर लिया नीचे की तरफ। अब आप क्या करो, जो दो सेंटीमीटर हमने ऊपर ली थी ना उसको नीचे ले लें, जो हमने ऊपर ली थी उसको कहाँ ले लें, नीचे ले लें। तो नीचे ले लिया, ले लो नीचे, ये थी हमारी टोटल कितनी, छः, तो थोड़ी सी और छोटी होगी लगभग इतनी, ये ले लिया भाई हमने इसको नीचे, क्लियर ये बात। अब क्या करोगे, ज्वाइन करा दो इस पॉइंट को, नाम दे दे आप एच, इसको नहीं ये तो वैसे बताया था, एच नाम इसको दे दिया, एच को किससे मिला दो, आर से मिला दो भाई, मिला दो आर से, मिला दिया। अब क्या करोगे, किसका, एच आर का कर दें परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, करनाता होगा सभी को, चलो भाई करो। आधे से ज्यादा प्रकार आप लोगों ने खोलनी है, आर्क लगानी है, ठीक है, आधे से ज्यादा प्रकार खोलनी है, ये लगा दिया आर्क, एक तो लगा दी ना, और एक आर्क इधर से भी लगा दे, ओहो आधे से ज्यादा प्रकार तो खोली ही नहीं, बिल्कुल आधी खुल गई है, तो आधे से ज्यादा खोलनी है बेटा, ये ले ली, एक तो ये लगा दिया आर्क, एक आर्क इस साइड से लगा दी, अब भी नहीं काट रही क्या, काटेगी अब तो, और यहाँ से भी ये इंटरसेक्ट करेगी, करके इंटरसेक्ट, बोलो yes, दोनों में से एक लाइन पास करेंगे, और वो लाइन कैसी होगी, लाइन होगी हमारी डार्क नहीं डॉटेड, लाइन होगी हमारी कैसी, डॉटेड, ठीक है, कर गई ये लाइन पास, बोलो इसको जब हमने आगे एक्सटेंड किया था तो इंटरसेक्ट कर गई, और ये पॉइंट आ गया हमारा, कौन सा रह गया था, कौन सा रह गया था पॉइंट, पी, तो ये है भाई वो पॉइंट पी। अब पी को मिला दो किससे, आर से मिला दो, तो पी आर में कुछ बड़ी बड़ी सी दिखाई दी पी के, उसे दी या नहीं दी, बोलो। अब देखो अगर अब आप पी आर में से इस पी क्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 2 सेंटीमीटर, समझ में आया नहीं आया, क्या वार लेनी है 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट विद 6 सेंटीमीटर, उसके बाद मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज क्यू एज ए सेंटर, टेकिंग क्यू एज ए सेंटर, उसके बाद क्यू को क्या किया हमने, एंगल को प्रोड्यूस किया है नीचे की तरफ, ठीक है, एक्सटेंड किया है नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, मेक एन आर्क ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो भी कहां करी हमने, नीचे की तरफ हमने की है, और वो पॉइंट क्या आ गया, एच, ज्वाइन एच टू आर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एच आर, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मतलब उसको आगे बढ़ाया है ना, एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने के बाद जब एंगल को भी एक्सटेंड किया तो उसने किस पॉइंट पे आगे काट दिया, पी के ऊपर, ज्वाइन पी टू आर, हेंस पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, कर लोगे, ठीक है, लगे हाथ करवा दूं, चलो एक होमवर्क देता हूं।